बिहार में दूसरी शादी करने से पहले लेनी होगी सरकार से अनुमति। जी हाँ, बिहार में अगर कोई बिहार सरकार का कर्मचारी दूसरी शादी करने का सोच रहा है तो उसे बिहार सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर वह अनुमति नहीं लेता है तो उसकी दूसरी शादी को मान्य नहीं माना जाएगा। नीतीश सरकार की ओर से जारी किए आदेश में स्पष्ट है कि पूर्व पति या पत्नी जीवित रहते कोई दूसरी शादी करता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान निधन स्थिति में आता है तो अनुकंपा के आधार पर उसके संतान को नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वह अनुमति लेकर शादी करता है तो उसी स्थिति में उसकी पत्नी या संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी या पति का स्थान हमेशा पहला ही माना जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक पहली पत्नी के जीवित रहते अगर कोई दूसरी शादी करने का नौबत आती है तो पहली पत्नी की तरफ से अनापत्ति या शपथ पत्र देना होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार की यह नई गाइडलाइन जमीनी स्तर पर कितनी कारगर रहती है।